नमस्कार, हमारी खास पेशकश गुड लक बैठक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरियाल। आज के ज़माने में पैसों की अहमियत भला कौन नहीं जानता है। पैसे कमाने के लिए आज इंसान अपनी फैमिली से भी मुकाबला कर रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा धन हो, साथ ही महंगी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और उसके आस पास घूमे। लेकिन महंगाई के इस दौर में पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंसान ने अपने रोज़मर्रा के खर्चों को इतना सारा कर लिया है कि बिना पैसों के आगे जीवन यापन करना संभव नहीं है। पैसे के बिना कोई भी सामान या वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए आज की पीढ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ने के बारे में सोचती रहती है। किसी भी तरह से उसके ऊपर चंद घंटों के भीतर नोटों की बारिश हो, ऐसे में आम इंसान पैसे कमाने के लिए नौकरी के साथ साथ दूसरे विकल्प भी देखता है। मगर क्या ये पॉसिबल है कि इंसान ज़्यादा मेहनत किए बिना घर बैठे मालामाल हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग किस्मत के एक खेल में हाथ आजमा रहे हैं, जिसके दम पर अपनी सारी सुख सुविधाओं को आसानी से भी हासिल कर रहे हैं। इस खेल का नाम है सट्टा मटका किंग। सट्टा लॉटरी खेलों ने बहुत से व्यक्ति को कुछ ही घंटों के अंदर मालामाल भी बना दिया है। इतना ही नहीं, कई लोग लग्जरी लाइफ का भी मजा ले रहे हैं। ये सब आप सुनने के बाद अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सट्टा किंग को कैसे खेला जाता है और कैसे इसमें पैसे को लगाया जाता है। तो इन सब प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि देश भर में सट्टा किंग से संबंधित बहुत सारी वेबसाइट हैं, जिनके माध्यम से हर रोज़ लॉटरी खेलों को अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा सट्टा या लॉटरी खेलों को ऑनलाइन के जरिए कहीं से भी खेला जा सकता है। सट्टा किंग में व्यक्ति को अपना एक भाग्यशाली अंक चुनना होता है। अगर आपके द्वारा चुना हुआ लकी ड्रॉ में नंबर आता है तो उसे विनिंग अंक कहा जाएगा और आपके द्वारा निवेश की गई रकम पर कई गुना रकम बढ़ाकर आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। प्रतिदिन कोई ना कोई सट्टा किंग का बादशाह भी कहलाता है। इसी तरह 17 अक्टूबर को गली दिशावर, फरीदाबाद समेत लॉटरी खेलों में पैसा लगाकर बने हैं कई लोग मालामाल। एक नज़र डालते हैं आज के विनिंग अंक पर। तो आपको बता दें कि सट्टा किंग जैसे खेलों ने कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह किया है। कई लोगों ने लॉटरी खेलों में पैसा लगाकर अपना सब कुछ खो दिया है। इस तरह के खेलों पर भारत सरकार ने पूर्ण बैन भी लगाया है। लिहाजा न्यूज़रूम पोस्ट इस तरह के किसी भी खेल को बढ़ावा नहीं देता है और ना ही इस तरह के वित्तीय जोखिम वाले खेलों पर पैसे लगाने की किसी को सलाह देता है। तो गुड लक बैड लक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेगी आपसे दोबारा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।